देखा और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एकदम यूनिक रेसिपी लेके आए हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल चीज चिली पॉपर्स। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। अब आप इसको किसी भी ओकेजन पे, बर्थडे पार्टी हो, किटी पार्टी हो, किसी भी ओकेजन पे आप इसको तैयार करके खा सकते हैं। फ्रेंड्स, बनाने में बहुत ही आसान है, आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चीज चिली पॉपर्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं व्हाइट ब्रेड क्रम्स। ये मैंने व्हाइट ब्रेड से बनाए हैं। यहाँ पे हमने ली है 1 कप मैदा, थोड़ा सा उबला हुआ आलू, ये आप चाहें तो लें ना तो ना लें, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चीज का हमने क्यूब लिया है, मोजरेला चीज ली है, थोड़ा सा हरा धनिया पत्ती मैंने धो करके कट कर लिया है और 2 हरी मिर्च मैंने धो करके चॉप कर ली है, एकदम बारीक कट कर ली है। आइए फ्रेंड्स, चीज चिली पॉपर्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चीज को कद्दूकस कर लेंगे। हमें मोटे वाले साइड से कद्दूकस नहीं करना है, बारीक वाले साइड से हमें कद्दूकस करना है, कम से कम 1 कप जितना। फ्रेंड्स, मैंने चीज को कद्दूकस कर लिया है, बाउल में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, हम जो चीज क्यूब लिया है इसको बहुत अच्छे से इसमें तोड़ करके मिक्स कर देंगे। इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे, चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे, धनिया पत्ती भी डाल देंगे और टेस्ट के लिए बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल देंगे। बिल्कुल मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक इसमें मिक्स कर दिया है क्योंकि चीज में ऑलरेडी नमक होता है। अब हम इसमें थोड़ा सा आलू डाल देंगे, मैंने 1 आलू बॉईल करके मत के रखा हुआ है, ये आलू भी हमने इसमें डाल दिया है। बहुत अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से मैंने सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। आइए अब हम सबसे पहले मैदा को घोल तैयार कर लेते हैं। हमें मैदा को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे। देखिए मैंने मैदा में थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लिया है, गाढ़ा घोल है एकदम। देखिए फ्रेंड्स, हम थोड़ा थोड़ा मटेरियल लेंगे और उसको कुछ इस तरह से शेप दे देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी चिली चीज पॉपर्स तैयार कर लिए हैं। अब हम इस पे सबसे पहले हम इसको मैदा में डिप कर लेंगे। देखिए मैंने इसको मैदा में डिप कर लिया है और ब्रेड क्रम्स हम इस पे अच्छे से लगा देंगे। फ्रेंड्स, हमें इसकी कोटिंग 2 बार करनी है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से मैंने इसको कोटिंग कर ली है इस पर ब्रेड क्रम्स की। इसी तरह से हम सभी को डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे। हमें बहुत अच्छे से ब्रेड क्रम्स को लगाना है। फ्रेंड्स, इसी तरह से सारे पीसेस हम तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं मैदा को थोड़ा पतला कर लूंगी। हमें 1 बार कोटिंग और करनी है इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको पतला कर लेती हूँ। देखिए मैंने एकदम अच्छे से इसको पतला कर लिया है। अब हम इसमें डिप करेंगे और फटाफट इसके अंदर हम इसकी कोटिंग कर देंगे। देखिए मैंने ब्रेड क्रम्स की 2nd कोटिंग कर दी है और लुकिंग में बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, हम सारे पॉपर्स को तैयार कर लेंगे। Thank you.
देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी पॉपर्स अच्छे से तैयार कर लिए हैं, सेकंड कोटिंग भी कर दी है। आइए हम इसको डीप फ्राई कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई में यहाँ पे ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है, वेट करते हैं। देखते हैं ऑयल गरम हो चुका है क्या। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें एक एक पॉपर्स डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे। साइड चेंज कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही सुंदर कलर भी आ गया है इनका। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम बाकी सभी पॉपर्स को तैयार कर लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सभी बहुत अच्छे से मैंने फ्राई कर लिए हैं, इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सभी चिली चीज पॉपर्स तैयार हो गए हैं, आइए सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम सर्व कर देते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे तंदूरी वेज मेयोनीज ली है। अब हम तंदूरी वेज मेयोनीज से इसको डेकोरेट कर देंगे। मैंने तंदूरी वेज मेयोनीज को कॉर्न में भर करके और इस पे डिज़ाइन कर दिया है। आप जैसे चाहें डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लुकिंग में बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, मेरा तो खाने का ही मन हो गया। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सर्व भी कर दिया है। आप जैसे चाहें मेयोनीज के साथ, सॉस के साथ, जैसा मन करे आप वैसे सर्व कर सकते हैं और टी टाइम में आप इसको बना के टेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आज की हमारी चीज़ चिली पॉपर्स की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अब आप जब चाहें जब बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।